तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फाइनटेक बीआरके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि रीसेलिंग बिजनेस को किस तरीके से हम काफ़ी ज़्यादा ऊँचाइयों पर लेकर जाएं। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते रहते हैं कि भाई, हम रीसेलिंग बिजनेस कर तो रहे हैं लेकिन ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, हमें कोई लोग इस तरीके से हमारे ऑर्डर लेते हैं, ज़्यादा कैंसिल हो जाते हैं। बहुत सारी दिक्कत लोगों के साथ आती है, मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे यूट्यूब वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में और बहुत जगह मेरे व्हाट्सअप पर भी काफ़ी सारे लोग मुझसे ये प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि भाई, हम बहुत अच्छे से इस बिज़नेस को करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सही से कर नहीं पाते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि हम इसमें ग्रो नहीं कर पा रहे हैं? आज अगर हमारे 10 ऑर्डर पर डे आ रहे हैं तो आज के 1 महीने बाद भी 10 ऑर्डर ही आ रहे हैं, 2 महीने बाद भी 10 ऑर्डर ही आ रहे हैं, हम ग्रो क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं हमारे आज 10 ऑर्डर आ रहे हैं, कल 20 ऑर्डर हो जाए, फिर उसके दिन अगले इस तरीके से डबल होते जाए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने बिजनेस को ग्रो करवाना है और आज अगर 10 ऑर्डर आ रहे हैं तो आज से ठीक 1 महीने बाद में आपके 100 ऑर्डर भी आए, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है बट लोग क्या करते हैं, मैं उनकी एक छोटी सी गलती में काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ, लोग टाइम नहीं दे पाते अपने बिजनेस को, टाइम देते नहीं है। ठीक है, अगर वो शायद तो कुछ भी कर सकते हैं, उस बिजनेस को काफ़ी ग्रो करवा सकते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा करते नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि कुछ हो तो नहीं रहा है, अब करे तो करे क्या। एक विवेक बिंद्रा जी का काफ़ी अच्छा एक वीडियोज मैंने देखा था, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 90 दिन में हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि जी जान लगा के उस बिजनेस को ग्रो करना पड़ता है। ठीक है, पहले 90 दिन की तैयारी अगले 9 महीने में आपके बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा आगे ले जाएगी। ठीक है, तो ये उनका वीडियोज था जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर हम पहले 90 दिन में जी जान लगा के अगर मेहनत कर ले और अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करें तो वो आने वाले 9 महीने में काफ़ी ज़्यादा बूम कर चुका होगा। ठीक है, अब आपको एक चीज़ तो बता दूं दोस्तों कि आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, पहले 90 दिन में मेहनत इतनी करनी पड़ेगी कि आपको रिजल्ट कम मिलेंगे, लेकिन आने वाले 9 महीने में आप खुद देखोगे कि आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ऊँचाइयों पर चला गया होगा। ठीक है, और उस टाइम आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी और उस टाइम आपको पैसा ज़्यादा आएगा, यानी कि ऑर्डर भी ज़्यादा आएंगे। तो दोस्तों, कैसे ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है मैं आपको आज के इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, आप सभी से एक ही बात कहूँगा कि देखो, किसी भी चीज़ को हाथ में लेते हो तो उसको पूरा करने की आप ठान लो कि मैं इस चीज़ को पूरा करूँगा और इसमें ग्रो करूँगा। ये एक बार अपने मन में ठान लो कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने हर रोज़ दिन के कम से कम 10-15 मिनट अपने इस बिज़नेस को दूंगा या फिर 1 घंटा दूंगा, 2 घंटा दूंगा, जो भी आप टाइम दे सकते हो कि मैं इस बिज़नेस को दूंगा और ऊँचाइयों पर लेकर जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। इस तरीके से अगर आपने ठान लिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अब एक बात बता दूँ, कैसे ये सारी चीज़ें पॉसिबल होगी मैं वो चीज़ें बताऊंगा। ऐसे मतलब बातें कर रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ विवेक बिंद्रा जी के बारे में, ये सारी चीज़ें उनके वीडियोज़ में होती हैं और आप सभी उनको जानते भी होंगे, वैसे काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ वो बनाते हैं। लेकिन अब मैं आपको मेन मुद्दे पर आता हूँ कि हमारा रीसेलिंग बिजनेस कैसे बूम में होगा, ठीक है, कैसे आगे जाएगा, तो इसके बारे में दोस्तों बताता हूँ। देखो, आपको सबसे पहले तो अपने बिजनेस का सारा सीज सेटअप करना होगा, अपना बिजनेस पूरा सेटअप करना होगा। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना, कम से कम 5 सोशल मीडिया अकाउंट पर आपका एक ही नाम से बिजनेस, ठीक है, अकाउंट बने हुए होने चाहिए, 5 सोशल मीडिया अकाउंट, जिसमें आप फेसबुक ले सकते हो, फेसबुक पेज ग्रुप इनमें बना सकते हो, आप ग्रुप नहीं बनाओगे चलेगा, ठीक है, फेसबुक पेज बना दीजिए, इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी आईडी बना लीजिए, ट्विटर पर बना लीजिए, यूट्यूब पर बना लीजिए और एक दो आप और भी देख लीजिए जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो, ठीक है, आपकी वेबसाइट भी हो सकती है वो, या फिर आप किसी और पर भी बना सकते हो। तो ये 5 इस तरीके से आप अकाउंट बना लीजिए जहाँ पर आपका बिजनेस होना चाहिए, जैसे कि कोई भी बंदा अगर सर्च करे आपके बिजनेस के नाम से तो वहाँ पर मिलना चाहिए, अगर फ्लिपकार्ट सर्च करे लोग तो वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, रिजल्ट में सारी चीज़ें। तो इस तरीके से अगर आप अपना बिजनेस जो भी बना रहे हो उसके नाम के अकाउंट बनाइए, ताकि कोई भी बंदा जब भी गूगल में सर्च करे, कोई आपको पूछ भी सकता है कि आपका बिजनेस का क्या नाम है, तो आप उनको बता भी सकते हो कि ये हमारे बिजनेस का नाम है, तो फिर वो गूगल में सर्च करेगा, उनको टॉप में आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है वो सारे दिख जाएंगे, वेबसाइट भी दिख जाएगी। तो इससे क्या होगा कि उस बंदे को लगेगा कि हाँ, ये लीगल है, सब कुछ सही है, यहाँ पे हम ऑर्डर दे सकते हैं, तब वो ऑर्डर आपको दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी होता है और आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब एक चीज़ तो मैंने आपको पहले भी बताई कि आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, 90 दिन तक मेहनत करनी पड़ेगी और आने वाले 9 महीनों में आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा। अब 90 दिन में आपको क्या करना है, जी जान लगा के मेहनत करनी है, सभी अकाउंट पे एकदम क्लियर अच्छी फोटो डालनी है। मैंने इंस्टाग्राम के बारे में वीडियो बना रखा है, देख सकते हो, ऊपर आई बटन में लास्ट वीडियो ही डाला हुआ है, ठीक है, तो उसको भी देख सकते हो। तो आपको 90 दिन तक अच्छी मेहनत करनी है अपने बिजनेस के ऊपर, उसके बाद आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, ठीक है। और आने वाले 9 महीने बाद आपके बिजनेस को आपको बहुत कम टाइम देना होगा, अगर आज आप 1 घंटा दे रहे हो, आने वाले 9 महीने में अगर आप 1 मिनट या 2 मिनट के लिए भी एक पोस्ट डाल दोगे तो भी आपको 10-20 ऑर्डर मिल जाएंगे। तो 1-2 मिनट अगर आप
पोस्ट डालने के बाद भी अगर 10-20 ऑर्डर मिलते हैं तो क्या कमी है, ठीक है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ती है किसी भी चीज़ को। ऐसे ही नहीं होता है कि हम ऐसे ही पोस्ट डालें मार्केट प्लेस पे कहीं पर डाल दी, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं होता है। ऐसे करोगे तो आप सिर्फ एक्टिव इनकम पर ही रहोगे, पैसिव इनकम की तरफ कभी नहीं बढ़ोगे, ठीक है। अगर आपको पैसिव इनकम भी लेनी है तो आपको अपने अकाउंट बना लेंगे, बिजनेस को अच्छे से सेटअप करना होगा, हो सके तो बिजनेस को रजिस्टर भी करवा लीजिए आप, ठीक है, करते हैं अपने आसपास पता कर लीजिए, बहुत सारे लोग बिजनेस रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं तो आप उनके पास जाकर बिजनेस रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी होती है तो आप वो भी कर सकते हो। इस तरीके से दोस्तों आपको सभी सोशल मीडिया, मैं एक बार फिर कहूँगा, अगर आपने ठान लिए रीसेलिंग बिजनेस में बड़ा करने की तो सभी सोशल मीडिया पर अपना एक अकाउंट बनाइए, अच्छा नाम चूज़ कीजिए। मेरा एक नाम है, ठीक है, बिजनेस का बताऊँगा नहीं किसी को, क्योंकि मैंने एक पिछली बार भी बताया था तो बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं इस चीज़ में कि फालतू में फेक ऑर्डर लगाते हैं और वो सोचते हैं कि इनके बिजनेस को किसी तरीके से डाउन करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टांग खींचने का काम करते हैं, इसीलिए मैं नहीं बता पाता हूँ ओपनली सारी चीज़ें, वरना मैं अपना सारा बिजनेस सेटअप है वो पूरा आपको लाइव बता सकता था कि ये इस तरीके से मैंने सारा काम किया और इस तरीके से आज मेरे लाखों लोग मेरे बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट मैंने जो तरीका आपको नॉर्मली बताया आप अगर समझ गए होंगे तो आप ज़रूर इस पर काम करेंगे। और पहले मैं बता दूँ, पहले 90 दिन में आपको काफ़ी अच्छी मेहनत करनी है और आने वाले 9 महीने में आपको काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिल जाएंगे। तो बस आज के वीडियोज़ में इतना ही, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और हाँ पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।